ओपी राजभर ने एनडीए में मतलब एनडीए ज्वाइन किया, शामिल हुए, किस तरह से देखती हैं आप इसको और सपा पे इसका क्या प्रभाव होगा, मैम कुछ बताइए। देखिए, उनके खुद के ही लोग उनको नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि वो कहीं कुछ भी बोलते रहते हैं। जो हमेशा ही मंच से दहाड़ दहाड़ के कहते थे कि योगी मोदी आतंकवादी है और हमने कसम खा ली है और भगवान की कसम मैं यहाँ कभी ज्वाइन नहीं होऊंगा, या अम्मा की कसम, पिताजी की कसम खाते रहते थे, या कहते थे कि हम योगी जी को और मोदी जी को भीख मांगने पर मजबूर कर देंगे, इनको भीख मांगने की ट्रेनिंग देंगे, वह आज खुद पता नहीं कौन सा कटोरा लेकर चले गए हैं। तो उनका भरोसा नहीं है, उनकी बातों का भी भरोसा नहीं है, और लोग, उनके ही लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा जनता पर। और मैम सपा पर, सपा पर क्या है, सपा तो चाहती है, लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आ जाए, क्योंकि यही विकास की पार्टी है, यही वह आदरणीय अखिलेश यादव जी है जो हर चीज में गुणवत्ता देखते हैं, हर विकास के कार्य में गुणवत्ता देखते हैं। रोड पर भी अगर वो चलेंगे तो वो कहते हैं कि नहीं, ये रोड भी गुणवत्ता वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 6 दिन चले और उसके बाद 7वें दिन उखड़ जाए। और ये सरकार हम देखते हैं कि खुद ही न्यूज में कितनी बार आता है कि 300 मीटर की दूरी पर ही 100-100 गड्ढे होते हैं। वहां आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे उद्घाटन करने के लिए ट्रेन का, और उसी सड़क पे हम देख रहे थे कि 300 मीटर पे 100-100 गड्ढे थे। वो सब कौन देखेगा बताइए, ये गुणवत्ता वाली सरकार तो है नहीं।